तो देखा दोस्तों, मैंने कहाँ गया था, क्या करने गया था। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवरीथिंग एसके में एक न्यू ब्लॉग के साथ। आज देख सकते हैं मैंने सुबह सुबह ब्लॉग स्टार्ट किया है और मैं तैयार भी हो चुका हूँ। आज कुछ खास है तो वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए क्या खास है, कहाँ जाने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ आज खास है, तो खास ये बात है कि आज मैंने जो बिजली को मेरे साथ आज जुड़ा था मेरे परिवार में, उसका आज 1 साल पूरा हो गया है। तो अभी रंकनी मंदिर आए हैं, सोचे थे कि पूजा करवाएंगे, लेकिन दूसरा और एक खास बात है जिसके वजह से मैं आज पूजा नहीं करवा पा रहा हूँ। और सीधे अभी हम लोग इधर से अब नेक्स्ट जो हम लोग का मंजिल है वहाँ तक जाएंगे, तो बने रहिए। अभी आप लोग को बताएंगे कि कहाँ जाएंगे, क्या करने वाले हैं, और बाइक का पूजा हो सकता है किसी और दिन करा लेंगे, और उसका वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो अभी बने रहिए और आगे देखते रहिए कि उसके आगे क्या करने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं रंकनी मंदिर से स्टार्ट कर रहा हूँ और आगे कहाँ जाने वाला हूँ देखते रहिए, बने रहिए वीडियो में। तो अभी मैं रंकनी मंदिर से निकला और जादूगढ़ा मेन रोड में ही जादूगढ़ा चौक पहुँच के कुछ फल फ्रूट्स ले लेते हैं, क्योंकि जहाँ जा रहा हूँ तो कुछ साथ में ले जाना अच्छा है। तो उसी के लिए मैं रुका हूँ फ्रूट का शॉप में। कुछ एप्पल लेना है, कुछ केले लेना ले लूँगा, और कुछ अंगूर लेना है, और किशमिश लेना है। उसी के लिए रुके हैं, बस वो लेके फिर निकलेंगे हम अपनी मंजिल की ओर। तो देखते रहिए, यहाँ पर फल फ्रूट्स बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का मिलता है, तो इधर जब भी मैं इधर रास्ते से गुजरता हूँ तो यहीं से लेता हूँ। अच्छा दाम भी लगाता है और क्वालिटी भी अच्छी रहती है। और मैं अभी जादूगढ़ा चौक से निकल रहा हूँ और आगे देखते रहिए। मैं ये है मुसावनी रोड, जहाँ दिगड़ी चौक पहुँचने के बाद यहाँ से बायां टर्न लेंगे और यहाँ से ही हम लोग सीधा नेशनल हाईवे को पकड़ेंगे। फिर नेशनल हाईवे से होते हुए जाएंगे हम लोग गालूडी। तो जैसे दिगड़ी गांव पार करेंगे तो फिर वहाँ से एक बायां टर्न और मिलेगा, यहाँ से बायां टर्न लेकर के सीधा दिगड़ी जो डैम है, जो गालूडी डैम है, ये देख सकते हैं, ये नदी है सुवर्णरेखा नदी, उसी के ऊपर में ये ब्रिज बना है गालूडी बराज, इसी को पार करते हुए सीधा NH 33 को हम लोग पहुँचेंगे और उधर से होते हुए गालूडी जाएंगे। ये देख सकते हैं, ये घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, पिकनिक प्लेस भी बढ़िया है, कभी आप लोग भी आइए तो पिकनिक मनाने, बहुत बढ़िया जगह है। तो इधर ही से पार होकर मैं अभी जाऊंगा, और यहाँ बीच बीच में बहुत सारे लोग सैलानी भी आते हैं घूमने। ये जो डैम बना है ये सुवर्णरेखा बहुउद्देश्य परियोजना के तहत बना है, और इस डैम के दोनों ओर मुख्य नहर है, दोनों साइड से ही, दोनों किनारे से मुख्य नहर जा रहा है, जिसको कैनल बोलते हैं। तो उसमें भी जब बरसात में पानी ओवर होता है तो खेती के लिए पानी छोड़ा जाता है हर साल कैनल में, जिससे कि अगल बगल जितना भी गांव है उसमें खेती हो सके। और उसी परियोजना सोच के ही ये डैम और कैनल बनाया गया है, कि जितना भी कृषि क्षेत्र एरिया यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कैनल बनाया गया है कि खेती के टाइम अच्छे से पर्याप्त पानी मिल सके, इसीलिए कैनल में समय समय पर पानी छोड़ा जाता है। गालूडी जाने के लिए मुसावनी रोड में क्रॉसिंग से होते हुए भी रास्ता है, लेकिन इधर से शॉर्टकट पड़ता है, या और ये जब से पुलिया बना है तो और शॉर्टकट हो गया है, जो ब्रिज बना है तो इधर से सामने पड़ता है NH। ये देखिए, मैं अभी NH पहुँच चुका हूँ, NH आगे जाके फिर मैं गालूडी पहुँच जाऊँगा। सामने है यहाँ से गालूडी, ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 1.5 किलोमीटर यहाँ से गालूडी है। और गालूडी पहुँच के चलिए आप लोगों में और वहाँ का कुछ सीन दिखाता हूँ, वहाँ पर
क्या करते हैं, वहाँ से फिर किधर जाएंगे, कहाँ का रास्ता है, कैसे जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए। ये देखिए मैं गालुडी पहुँच चुका हूँ। ये राइट साइड में जो ब्रिज दिख रहा है, ब्रिज के नीचे से भी एक रास्ता जाता है जो गालुडी बाज़ार के लिए जाता है, लेकिन मैं अभी यहीं पर रुकूंगा क्योंकि कुछ मीठा वगैरह भी लेना है। तो इस दुकान में रुके हैं मिठाई के लिए, मीठा ले लेते हैं। मीठा ले लिए हैं और फल फ्रूट्स भी ले लिए हैं। अब फिर अभी निकलते हैं, मेरे साड़ो भाई के घर जा रहे हैं। एक्चुअली वहाँ मेरा साली का गोद भराई का रस्म है, तो उसी के लिए फल फ्रूट्स भी लिए हैं और मिठाई भी लिए हैं और जाएंगे उन लोगों के घर में। आज हम लोग का निमंत्रण है, तो उसी के कार्यक्रम में शरीक होने के लिए जा रहे हैं और दिखाते हैं वहाँ पर कैसे क्या आयोजन होता है। तो वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए हम लोग कैसे मनाते हैं गोद भराई। और चलिए पेमेंट दे देते हैं मिठाई का और निकलते हैं यहाँ से। और सामने में एक गुमटी है, तो गुमटी में बाबू बोला कि चॉकलेट लेंगे, तो चॉकलेट ले लिए। और ये देखिए, ये है NH 33 के मेन रोड का बगल से जो बाईपास रोड है, और यहीं से जाते हुए हम लोग फिर यहाँ से लेफ्ट टर्न ले लेंगे। जो ये रास्ता सीधा आपको बंगाल तक ले जाएगा, मतलब बंगाल बॉर्डर से होते हुए भी आप इस रास्ते से बंगाल में पहुंच सकते हैं। तो इसी रास्ते में ही पड़ता है बड़बिल गांव, तो वहीं पर जा रहे हैं हम लोग। गालुडी से लगभग 3-4 किलोमीटर है गालुडी से, तो वहीं अभी जा रहे हैं। वहीं पर उन लोगों का गांव है बड़बिल, मेरा साड़ो भाई का गांव है। तो चलिए बने रहिए और देखते रहिए वहाँ पर कैसे क्या प्रोग्राम करते हैं। और ये देखिए, उसी रोड में ही मेन रोड से ही और एक और राइट टर्न ले रहे हैं, यही गांव है। और जो मेन रोड जाता है वो सीधा बंगाल की ओर जाता है। अभी हम लोग गांव में घुस गए हैं राइट टर्न लेके और आगे पहुंच रहे हैं उसके घर तक। और ये है बड़बिल गांव और ये है मेरा साढ़ू भाई का घर, पहुंच चुके हैं फाइनली। और ये देखिए, ये मेरी साली साहिबा है, देखिए इसी का गोद भराई है, तो उसी के लिए कुछ फल फ्रूट्स लाए थे तो उसको दिए दिए हैं। वहाँ से रिटर्न आने के टाइम में गालुडी बराज में हम लोग रुके हैं कुछ वीडियो शूट करने के लिए। जाने के टाइम में तो हड़बड़ी था, जल्दी पहुँचना था, इसीलिए नहीं रुके। आने के टाइम में थोड़ा शाम हो गया है, लेकिन थोड़ा रुक गए। यहाँ पर कुछ शॉर्ट्स भी बनाना था और थोड़ा वीडियो भी शूट करना था, तो रुक गए हैं। अच्छा भी लगता है यहाँ पर, थोड़ा पार होने से रुकने अच्छा लगता है, जगह अच्छा है, देखने का नज़ारा अच्छा है। और मैं जहाँ गया था, जगह का नाम है गालुडी, और गालुडी से आगे पड़ता है बड़बिल। बड़बिल गांव गए थे, मेरे साड़ू भाई का घर गए थे, मेरा साली का बहुत भराई का प्रोग्राम था, तो उसी में अटेंड होने के लिए गए थे। और रिटर्न में अभी मैं खड़ा हूँ इस जगह, अभी मैं पहुँच चुका हूँ गालुडी बराज में। आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देख सकते हैं गालुडी बराज है। आगे से सूरज की रोशनी है, इसलिए उतना साफ पिक्चर नहीं आ रहा है। और वहाँ से रिटर्न आके शाम को मैं नाइट ड्यूटी चल गया। और जाते हुए रास्ते में मेरा, जैसे मैंने आपको बताया था, मेरा बिजली का यानी मेरा बाइक का 1 साल पूरा हो गया है। तो मेरा जो इंश्योरेंस था, वो 1 साल का जो ऑडियो इंश्योरेंस होता है, वो उस भी एक्सपायर हो गया था, तो वहीं जाते हुए मैंने उसका भी रिन्यूअल करा लिया। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।